लॉकअप के बाद से अभी तक मुझे और जो बाकी के गार्ड्स थे उन सभी को पेमेंट नहीं मिला है। जी नहीं, बालाजी पूरा का पूरा पेमेंट कर चुके हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक तनुज नाम का कास्टिंग करने वाला बंदा है, उसको ये प्रोजेक्ट मिला था बालाजी से। हम सबके दिल में, मैं सच बताऊं, जितने भी गार्ड्स हैं सबके दिल में ये फील आ चुका है कि ये पेमेंट मारने वाले हैं, लोग पेमेंट करेंगे नहीं। करण कुंद्रा भाई का भी मुझे मैसेज आया है, मुनव्वर जो है उन्होंने भी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया और कॉल भी किया, करणवीर बोहरा भाई ने भी मैसेज किया, सायशा से भी मेरी बात हुई। ये रिक्वेस्ट है एक तमाम, आप लोग पे कर चुके हैं महुआ को, लेकिन वो हमें पे नहीं कर रहे हैं, उसी को मद्देनजर रखते हो, प्लीज हेल्प कीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में, मैं हूं राहुल भोज। इस वक्त स्क्रीन पे आप जिन्हें देख रहे हैं उनको कौन नहीं जानता, ये है लॉकअप के शूटर यानी कि मिस्टर नरेश पुनिया, जो इस वक्त बहुत ज्यादा तकलीफ में है। मैं आप लोगों के सामने इनकी तकलीफ रखता हूँ और साथ ही साथ आप इनकी बातें ध्यान से सुनिए। नरेश भाई, कहना तो चाहिए मुझे बहुत बहुत स्वागत है, आपसे मिलकर खुशी हुई, बट लेकिन आपकी स्टोरी जान के मुझे सचमुच में एक कनेक्शन फील हो रहा है, दिल टूट रहा है। बताइए जनता को कि आपके साथ क्या हुआ लॉकअप के बाद। लॉकअप के बाद से अभी तक मुझे और जो बाकी के गार्ड्स थे उन सभी को पेमेंट नहीं मिला है। शो को ख़त्म हुए 3 महीने से ऊपर हो चुका है, शो जब शुरू हुआ था उस चीज़ को 5 महीने से ऊपर हो चुके हैं, और उस पेमेंट के इंतज़ार में हम लोग ऐसे ही हुए हैं। और शो के दौरान हमसे जो एग्रीमेंट कराया गया था वो भी इस तरह का था कि हम कोई और दूसरा काम कर भी नहीं सकते, तो 2 महीने हम मार्केट से, वैसे भी 2 महीने से ज़्यादा, बल्कि बिकॉज 80 दिन से ज़्यादा का काम था, वैसे भी हम नॉर्मल मार्केट से कट ऑफ रहे। तो ऐसा भी नहीं कि उस दौरान कोई काम किया या उसके पहले कोई काम किया हो जिसका पैसा आना हो, ऐसी भी सारी चीज़ें नहीं है। नरेश जी, देखिए सबसे पहले तो बात करें अगर लॉकअप की, तो वो एकता कपूर जी लेकर आई थी, यानी कि बालाजी, तो बालाजी वालों ने ही इस तरीके का काम कर दिया क्या आपके साथ? जी नहीं, बालाजी वालों ने नहीं किया है। बालाजी से मेरी बात हुई थी, वहाँ पे जो बालाजी के इनसाइड के लोग हैं उन्होंने बोला कि वो पूरा का पूरा पेमेंट कर चुके हैं। ओके जी, किन्हें कर चुके हैं? एक्चुअली अब अगर मैं ये समझाने जाऊं कि किन्हें कर चुके, तो थोड़ी सी स्टोरी जो है वो मुझे बैकग्राउंड स्टोरी आपको बतानी पड़ेगी। जी प्लीज़ कैरी ऑन। क्या है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक तनुज नाम का कास्टिंग करने वाला बंदा है, उसको ये प्रोजेक्ट मिला था बालाजी से, लेकिन तनुज की कोई भी कास्टिंग कंपनी नहीं थी रजिस्टर्ड, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए नहीं हो पा रहा था। तो तनुज की जो सिस्टर है वो महुआ ब्रॉडकास्टिंग, महुआ प्लस चैनल में काम करती थी, और वहाँ पे इनकी बातचीत हुई और महुआ ने ये बालाजी से कास्टिंग का कॉन्ट्रैक्ट किया और हम महुआ के थ्रू ये काम करने गए। अच्छा, अब जिसमें कि तनुज सेंटर में था और तनुज ने बाहर कास्टिंग वालों को और कोऑर्डिनेटर्स को भी ये चीज़ बोली कि भाई मुझे 8 गार्ड्स चाहिए, तो अगर रियल में देखा जाए तो एक कास्टिंग कंपनी है, 2 हैं, बल्कि 4 एक तरफ, 4 लोग एक एजेंसी से और बाकी के 4 लोग एक एजेंसी से, इस तरह से हम 8 लोग महुआ की तरफ से होके वो काम करने गए। ओके, तो मुझे ये बताइए आप सबसे पहले, तो आपका जो पैसा अटका हुआ है वो महुआ पे अटका हुआ है? जी, महुआ चैनल वो पेमेंट नहीं कर रहा है। तो क्या आपने अपनी तरफ से ट्राई किया, उनके CEO या फिर उनके जो कर्मचारी या लीगल टीम है, आपकी तरफ से क्या प्रोसीजर थी वो बताइए। इतनी कोशिश कर चुके हैं कि मैं आपको सबूत भी दिखा सकता हूँ, और ये सिलसिला शुरू हुआ, बोला गया था कि शो ख़त्म होने के 20 दिन के अंदर पेमेंट हो जाएगी। जब शो ख़त्म हुए तकरीबन 1 महीना हो गया, तो हम लोगों ने पेमेंट मांगना शुरू किया, तो हमें बोला गया कि कुछ बैंक का इश्यू चल रहा है। हमने कहा ठीक है। फिर जब उस बात को भी और 7-8-10 दिन गुजर गए, तो हमने पूछा भाई बैंक का इशू सॉल्व नहीं हुआ? तो फिर बोला गया कि अभी कुछ और इशू चल रहा है, तनुज की कंपनी बन रही है, तनुज की कंपनी भी बन गई। फिर उसके बाद पूछा गया कि भाई, तब तक पता चला कि तनुज को जो है, तनुज को और उसकी सिस्टर को महुआ से निकाल दिया गया है, और तनुज को एक मेल भी डाला गया महुआ की तरफ से, जिसमें ये स्टेट किया गया, जैसा कि मैं आपको अभी दिखा चुका हूँ, उस मेल में ये स्टेट किया गया था कि वो थर्ड पार्टी वेंडर को नहीं जानते हैं और आर्टिस्ट उनकी, महुआ की जो है वो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जब हम उनको कॉल करते थे, महुआ वालों को बातचीत करते थे, एक नागेंद्र वर्मा नाम का बंदा है जो कहता है कि वो प्रोजेक्ट में, इस प्रोजेक्ट में पहले था, अब नहीं है, लेकिन वो बीच में ऐसे वेल विशर होके अपनी तरफ से, अब वो वेल विशर था या वो गेम खेल रहा था,
मुझे अब लगता है कि वो गेम ही खेल रहा था ताकि उनको दिन मिल सके, डे बाय कर रहा था वो। तो वो बोला कि आप, उससे हमारी बातचीत होती थी और बोलता रहता था कि भाई अभी थोड़ा सा आप लोग मेल करके देखिए या वो कीजिए। तो उसने विंसेंट का नंबर हमको दिया था। एंड हु इज दिस विंसेंट? ये विंसेंट जो है ये महुआ चैनल का CEO है, विंसेंट रॉजर्स पीटर्स। ओके, तो क्या आपने उनसे रिक्वेस्ट करी? जी मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, जब उनका नंबर मिला तो मैंने उनको मैसेज किया, मैंने बहुत मैसेज किए, कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने कॉल किया तो मेरे पहले नंबर पे उन्होंने, और उनको नॉर्मल कॉल तो लगता भी नहीं है, उनको व्हाट्सएप कॉल लगता है, नॉर्मल कॉल तो उनका कभी नहीं लगता। तो शुरू में तो मुझे लगा शायद बिज़ी जा रहा है, 5-6 कॉल तो वैसे ही निकल गए। फिर अगले दिन ट्राई किया, फिर बिज़ी जा रहा था, तो मुझे दिमाग में लगा ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि व्हाट्सएप पर ट्राई किया जाए, तो मैंने व्हाट्सएप पर ट्राई किया तो बैल गई और दूसरे कॉल पर उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। अच्छा, उसके पहले मैंने सिर्फ उनको ये मैसेज डाला था कि सर माय नेम इज़ नरेश पुनिया एंड आई एम द मेन गार्ड एंड वॉइस ओवर आर्टिस्ट ऑफ लॉकअप, और मुझे आपसे पेमेंट के सिलसिले में कुछ बात करनी है, प्लीज़ पिकअप द कॉल, और मुझे ब्लॉक मार दिया गया। फिर मैंने अपने दूसरे नंबर से, दूसरी व्हाट्सएप से उनको मैसेज किया है, कॉल का ट्राई किया, कॉल नहीं पिक किया गया। मैसेज किए काफ़ी सारे लंबे, मैंने आपको दिखाए भी थे बहुत सारे। ज़्यादा मैसेज करने के बाद एक रिप्लाई आया था कि मेरी लीगल टीम से कॉन्टैक्ट कीजिए, और लीगल एड्रेस देने में भी उन्होंने एक बार ये बोल के उसके बाद लीगल आईडी देने में भी, लीगल मेल आईडी देने में भी पूरे 24 घंटे का टाइम लिया। तब फिर जाके हमको लीगल मेल आईडी मिली। हम सभी आर्टिस्ट ने लीगल मेल आईडी पे मेल डाला कि भाई इस तरह से हमारा पैसा है, प्लीज़ पे कीजिए। तो मुझे बताइए कि आपके इसमें आपने जब किया था तो मैंने देखा उन्होंने रिप्लाई किया कि आपने प्रॉपर कुछ चीज़ें नहीं दी हैं। हाँ। कुछ चीजें वो मांग रहे थे, ये दो राइट। मैंने उसमें पढ़ा क्या क्या था वो जनता को बताइए, और प्लस उसके बाद ये भी बताइए कि आपने जब वो किया तो उस पर उनका क्या रिप्लाई आया, क्या उसके बाद कुछ आगे प्रोसेस बनी, क्या आपको पैसा, आपको कुछ समहाउ अमाउंट मिला? देखिए जी, मैं जो उन्होंने हमसे पूछा गया था, जो हमसे मांगा गया था, वो सारी चीज़ आपको पढ़ के सुना देता हूँ क्या मांगा गया था और हमने क्या भेजा है। अब इसके अलावा क्या चाहिए होता है मुझे नहीं पता है, शायद आप लोगों को जानकारी हो आप भी बताइएगा, मैं आपको बता देता हूँ। तो उनका जो, हमने उनको पहला मेल किया था 12 अगस्त को, उनका जो रिप्लाई आया वो 16 अगस्त का है। 16 अगस्त का उनका रिप्लाई है मेल में, प्लीज़ सेंड अस द रिक्वायर्ड लीगल डॉक्यूमेंट्स एज मेंशन बिलो टू इवेल्यूएट योर रिक्वेस्ट सेंड टू अस। नंबर 1, लीगल आर्टिस्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉपी क्लियरली मैंशनिंग द अमाउंट एज क्लेम्ड बाई यू इन द मेल। सेकेंड, द अमाउंट रिसीव्ड अंटिल नाउ एज अगेंस्ट द क्लेम्ड अमाउंट। थर्ड, योर KYC इंक्लूडिंग योर आधार एंड पैन कार्ड। ओके, देख लीजिए आप ध्यान से, यही चीजें हैं और कुछ नहीं है। जी जी, अब फिर आपने इसके बाद क्या किया? इसके बाद हमारा इनको मेल गया है, मैंने इनको मेल किया है 17 को, जो कि मैंने काफ़ी लंबा चौड़ा मेल किया है जी। जिसमें मैंने लिखा है टू द चेयरपर्सन मिस्टर विंसेंट पीटर महुआ चैनल, सर एज पर माय कन्वर्सेशन, जो कि मैंने आपको बताया नागेंद्र वर्मा से मेरी बातचीत होती थी जी। तो मैंने लिखा सर एज पर माय कन्वर्सेशन विद नागेंद्र वर्मा आई एम सेंडिंग यू बाय अटैचिंग द कॉपी ऑफ एग्रीमेंट विद दिस मेल। इन द बिगनिंग वन आई हैव साइंड एज अ रोल ऑफ गार्ड एंड देन अगेन आई हैव साइंड द रिन्यूअल ऑफ एग्रीमेंट एज मेन गार्ड एज इन ब्रैकेट असिस्टेंट जेलर वेयर माई एग्रीमेंट अमाउंट बीन इंक्रीज एंड माई प्रीवियस एग्रीमेंट बिकेम नल एंड वॉयड। न्यू कॉन्ट्रैक्ट वॉज फॉर ₹8.50 lakhs फॉर माई वॉइस ओवर एंड द रोल ऑफ मेन गार्ड असिस्टेंट जेलर फ्रॉम विच आई हैव रिसीव्ड 50,000 एज एन एडवांस पेमेंट। आई स्टार्टेड वर्किंग एज असिस्टेंट जेलर एंड वॉइस ओवर आर्टिस्ट फ्रॉम द 3rd एपिसोड टिल द लास्ट डे ऑफ द शो एंड आवर शो हैज़ बीन अ ह्यूज सक्सेसफुल एज यू मस्ट बी अवेयर ऑफ। आफ्टर द शो गॉट ओवर आई आस्क फॉर पेंडिंग मनी एंड आई वॉज गेटिंग डेट आफ्टर डेट, वन कॉन्टैक्ट आफ्टर अनदर कॉन्टैक्ट एंड लेम एक्सक्यूजेज। फाइनली आई हैव रिसीव्ड द नंबर ऑफ मिस्टर वर्मा हु गाइडेड मी टाइम टू टाइम एंड आई बिकेम ऑप्टिमिस्टिक टॉकिंग टू हिम। सर आई एम वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री फॉर लास्ट 15 years. As I followed my heart, which is having a strong passion for acting, I have worked on a quite good platform, but due to pandemic 2 years, I did not have any work. That is the reason why I have signed this for this kind of role as guard.
वेयर आई वॉज नॉट एबल टू परफॉर्म एज एन एक्टर बट फॉर्चुनेटली आई वॉज सिलेक्टेड टू शो माई स्किल एज वॉइस ओवर आर्टिस्ट मेन गार्ड और शो डिड वेरी वेल एज इट टुक अ वेरी हार्ड लेबर. फिर नीचे मैंने अपना एग्रीमेंट का एक कॉपी दिया हुआ इनको जी अटैच करके. ओके सो ये जी तो ये कास्टिंग का है बेसिकली. हाँ जी ये कास्टिंग वालों का क्योंकि इनके साथ हमारा डायरेक्ट एग्रीमेंट सिर्फ एक ही हुआ था जिसमें इन्होंने सिर्फ इतना वो 50,000 रुपये एडवांस देने से पहले सिर्फ इतना एग्रीमेंट कराया गया था कि भाई जो भी डायरेक्टर बोलेगा और जो भी ये इस शो के प्रोड्यूसर चाहेंगे आपको वो करना पड़ेगा और आप नहीं करेंगे और आपको निकाला जाता है तो आपको पूरी रकम जो आप ले रहे हैं उसका डबल आपको पे करना पड़ेगा. इस तरह का एग्रीमेंट था. ओके नरेश जी ये पूरा जो चल रहा है इस वक्त आपके ऊपर क्या बीत रही है अगर मैं पर्सनल लेवल पे पूछूं और किस तरीके के ट्रॉमा से आप गुजर रहे हैं क्योंकि फैंस ने आपका एक स्ट्रॉन्ग चेहरा देखा है. फैंस ने आपका जो लॉकअप फैंस है उन्होंने आपका एक पोस्ट द सक्सेस ऑफ दिस आपका फेज देखा है लेकिन अभी एक ऐसा फेज है जो कि सचमुच में मुझे खुद डिसहार्टनिंग लगा है. व्हाट यू वांट टू से? सच बताऊं लिटरली मैं बहुत मजबूत आदमी हूं और मैंने कभी भी चीज़ों को इतना हावी नहीं होने दिया लेकिन ये ऐसा है कि मेरा सिंपल फंडा रहा है काम करते रहो अपना जो भी पैसा आता है लेते रहो और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहो. लेकिन यहाँ पर मुझको ऐसा ब्रेक लगा दिया ना इन लोगों ने मुझे अपना जो मेरा रूम था वो छोड़ के यहाँ पर शिफ्ट होना पड़ा है और आप देख ही चुके हैं सारी चीज़ें. मुझे एक जॉब करनी पड़ गई है. मुझे सुबह 4 बजे उठ के वहाँ जाना पड़ता है शाम को 3 बजे तक मैं यहाँ पे आता हूँ फ्री हो पाता हूँ. उसके बाद फिर मुझे अपने टारगेट के लिए काम करने का बिल्कुल भी नहीं क्योंकि आके मुझे खाना बनाना पड़ता है सारी चीज़ें निपटानी पड़ती हैं और एक तरह से जो चीज़ मैं करने आया था जो चीज़ मैं कर रहा था एक्चुअली करने के आया था कर ही रहा था मैं लगातार और आगे ही बढ़ रहा था वो चीज़ मेरी एकदम से रुक गई है. और जब इस तरह से किसी की चीज़ रुक जाती है चलते चलते अचानक तो वो कितना डिसहार्टनिंग और कितना ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स लेके आता है. कुछ लोग जो इस चीज़ से गुजरे होंगे वो समझते होंगे कि हाँ मैं क्या कह रहा हूँ. नरेश जी लॉकअप के अंदर करण कुंद्रा भी थे लॉकअप के अंदर कंगना रनौत थी लॉकअप के अंदर मुनव्वर और ये सभी सेलिब्स थे. सो आपने क्या उनको अप्रोच किया या उनकी तरफ से कुछ ऐसा कुछ आया है आपको तो प्लीज मुझे वो भी बताएं दर्शकों को वो भी बताएं कि किस तरीके की आपको कोई हेल्प कर रहा है. जी मैं सच बताऊं शुरुआत में तो हमारे पास किसी का कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं था. जो लोग शुरू में मिले थे खाली वो तभी तक थे. उसके बाद खाली हम पार्टी में गए थे एक बार और तब तक हमें भी ये लगता था कि बेवजह क्यों किसी को बोला जाए पेमेंट है आ जाएगी लोग बोल रहे हैं आजकल बोल रहे हैं आ ही जानी है. लेकिन अब अति हो चुकी है जब हार के थक हार के जब मुझे लगा कि अब कुछ नहीं होने वाला और ये लोग हम सबके दिल में मैं सच बताऊँ जितने भी गार्ड्स हैं सबके दिल में ये फील आ चुका है कि ये पेमेंट मारने वाले हैं लोग पेमेंट करेंगे नहीं. और दिमाग में थॉट इतनी हैवी हो गई है कि वो जो आपने मेरा इंस्टा पे लाइव देखा होगा वो उसी के बाद का है उसी का आउटपुट है. तो उसके बाद उस वीडियो को देख के बहुत लोगों ने कॉन्टैक्ट किया है जिसमें कि करणवीर बोहरा भाई ने भी मैसेज किया कॉल भी किया और उन्होंने बोला कि वो सिंटा में भी बात करेंगे अभी भी वो शाम को कॉल करने वाले हैं. और साइशा से भी मेरी बात हुई और मुनव्वर जो हैं उन्होंने भी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया और कॉल भी किया और उन्होंने मुझे बुलाया था लेकिन मैं जा नहीं पाया क्योंकि मुझे बुखार हो गया इन चीज़ों के चलते. 2 दिन से मैं वाकई में बीमार हूँ. और आज जस्ट अभी थोड़ी देर पहले करण कुंद्रा भाई का भी मुझे मैसेज आया है उन्होंने मुझसे मेरा नंबर मांगा है तो अब देखते हैं कब वो कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे. एकता कपूर जी से क्या कहना चाहते हैं आप कुछ अगर मैसेज क्योंकि हमारी वीडियो मैं चाहता हूं कि आप अपने वीडियो में ये बात बोलें. ये रिक्वेस्ट है एकता मैम आपका शो बहुत बड़ा हिट हुआ और कहीं ना कहीं उसका एक छोटा सा हिस्सा मैं भी था. मेरी वजह से ही आपके शो को एक आप अगर इसको ज़्यादा एग्जाजरेट किया हुआ ना माने तो मेरी ही वजह से कहीं ना कहीं एक शो को एक फ्लो मिला एक क्राइटेरिया मिला जो कि और शो से थोड़ा सा हटके हो पाया सामने जाके चीज़ों को बोलना करना कराना ये शो में एक तरह से एक नई तरह की चीज़ थी. तो वो तो मैंने ही किया था तो मैं इस शो का कहीं ना कहीं सक्सेस का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हिस्सा रहा हूँ. उसी को नज़र में रखते हुए आप देखिए कि और आपने जब आप 2-3 बार शो पे आई भी थी आप स्क्रीन पे भी बैठती थी जाके आपने देखा था कि हम गार्ड्स लोग कितनी मेहनत कर रहे थे. और कंगना मैम ने भी देखा होगा कि पीछे जब हम मैं तो नहीं लेकिन उस टाइम पर जो गार्ड्स उनके पीछे खड़े रहते थे
4 से 5 घंटे बिना हिले हुए। आपको समझ में आता होगा कि पैर का और एड़ियों का क्या हाल होता है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए प्लीज़ हेल्प कीजिए। आप लोग पे कर चुके हैं महुआ को, लेकिन वो हमें पे नहीं कर रहे हैं। और अभी महुआ का मैंने जो वीडियो डाला है ना, मैंने अपने फेसबुक पेज पे भी डाला था वो, तो महुआ का एक कमेंट आया है मुझे कि आप उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं। वो मुझे ये बोल रहे हैं कि मैं उनको ब्लैकमेल कर रहा हूँ, मैं उनको हैरास कर रहा हूँ। मतलब ये कमाल की बात है कि मैं उनको ब्लैकमेल कर रहा हूँ, मैं उनको हैरास कर रहा हूँ। और उन्होंने वो 26 तारीख का उसके नीचे वो मेल का कॉपी भी उनका उनकी तरफ से आया हुआ कि आपने हमको डॉक्यूमेंट नहीं भेजे हैं। हमने डॉक्यूमेंट भेजे हुए हैं, मैं आपको भी दिखा चुका हूँ और जनता को भी दिखा चुका हूँ। अब उसके अलावा उनको क्या चाहिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और इन्होंने पढ़ा भी कि एज वी, उन्होंने बोला हुआ है अपने मेल में कि वट एवर यू आर सेइंग वी आर नॉट फाइंडिंग इन आवर रिकॉर्ड्स। भाई अगर तुम्हारे रिकॉर्ड्स में नहीं मिल रहा है तो उसमें हमारी गलती है। आपको रिकॉर्ड्स में रखना चाहिए था, इतनी बड़ी कंपनी आप चला रहे हैं, आपको रिकॉर्ड्स में रखना चाहिए था वो जी। हमारे पास तो जो है हमने वो आपको भेज दिया है। और उसके बाद अभी उन्होंने बोला कि मैं उनको ब्लैकमेल कर रहा हूँ, मैं उनको हैरास कर रहा हूँ और मेरे खिलाफ वो मुझे धमकी दे रहे हैं कि वो मेरे खिलाफ लीगल कदम उठाएंगे। तो मैं कहता हूँ जी लीगल कदम आप उठाइए प्लीज़, कम से कम आप ही की तरफ से लीगल कदम हो, मुझे मुजरिम बना के वहाँ ले जाया जाए, मैं अपनी बात तो रख पाऊँ। नरेश जी आप जिस तरीके से ये कदम उठा रहे हैं और जो चीज़ें कर रहे हैं, तो कोई धमकी या कोई आपको मिल तो नहीं रही उनकी तरफ से? सिर्फ यही अभी यही कमेंट आया है जिसमें उन्होंने लीगल जाने की धमकी दी है और उन्होंने ये कोशिश की है जनता को दिखाने की कि मैं अकेला छोटा सा आर्टिस्ट उनको ब्लैकमेल करने की और हैरास करने की कोशिश कर रहा हूँ, जबकि 3 महीने से ज़्यादा टाइम से पेमेंट वो नहीं कर रहे हैं, हमारी चीज़ों का रिप्लाई वो नहीं कर रहे हैं, हैरास मैं उनको कर रहा हूँ। मुझे विंसेंट बोलता है कि मैं उसके लेवल का नहीं हूँ, वो मुझसे बात नहीं करेगा, मुझसे बदतमीजी से बात करता है, हैरास मैं कर रहा हूँ उन लोगों को। क्या आप जनता को थोड़ा सा वो बता सकते हैं कि आखिरकार क्या विंसेंट जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं आपके साथ? विंसेंट मैंने जैसा कि बताया था उन्होंने शुरू में रिप्लाई नहीं किया था, तो फिर उन्होंने बाद में जब बातचीत हुई तो मैंने उनसे बोला सर प्लीज़ हेल्प कीजिए। तो उसके बाद आपने मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें उनका रिप्लाई था कि भाई और डोंट डू पर्सनल मैसेजेस टू मी, यू आर नॉट एट माई लेवल, दिस एंड दैट, इस तरह से करके उन्होंने बातचीत की है पूरी। मैंने कहा सर मैं भी जानता हूँ, इतना मैच्योर हूँ मैं कि मैं आपको मैसेज, आपको क्या मैं किसी भी को भी, कोई आपके लेवल पे हो या कोई किसी छोटे से लेवल पे भी हो, मैं बेवजह मैसेज नहीं करता हूँ। मजबूर हो के आपको ये आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, आप कंपनी के CEO हैं, इस मामले में ज़रा सा दखल देंगे तो मामला जल्दी रिजॉल्व होगा। लेकिन उनकी तरफ से रिप्लाई ऐसा था कि मुझे लगा कि ये तो चाहते ही नहीं है। इतने दर्शक आपको देख रहे हैं इस वक्त, उनको आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ ये कहना चाहूँगा आपने लॉकअप के दौरान बहुत प्यार दिया, अभी जो मैंने इंस्टा पे वीडियो डाला था उसके बाद भी आप लोगों का प्यार देखने को मिला, बहुत प्यार, सपोर्ट कीजिए प्लीज़। हम जैसे जो उभरते हुए कलाकार हैं, कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में और अपने घर बार छोड़ के मिडिल क्लास फैमिली से उठ के यहाँ पर आके अपने सपनों को साकार करने में लगे हैं, बैकग्राउंड फिल्मी बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है, अपने दम पे जो भी कर रहे हैं काम पा रहे हैं अपने टैलेंट के दम पे, और उस काम के बाद अगर पैसा ना मिले तो बहुत दुख वाली बात होती है। इन चीज़ों में हमारा साथ दीजिए और इंडस्ट्री को थोड़ा सा इस चीज़ को बदलने में, अगर आप लोग चाहेंगे तो इंडस्ट्री को थोड़ा सा इतना बदलने में सहायता मिलेगी इस चीज़ से कि भाई नए आर्टिस्ट को चांसेस भी मिलेंगे, नए आर्टिस्ट को उसके काम का पैसा भी मिलेगा जी। और आपको भी बेहतर लोग मिल पाएंगे एज एन एक्टर एज एन आर्टिस्ट, तो प्लीज़ हेल्प कीजिए। थैंक यू सो मच नरेश जी हमसे बातचीत करने के लिए और अपना दिल खोल के रखने के लिए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको जो आपका मेहनताना है, जितनी आपने मेहनत करी, जो आपका अमाउंट है वो ज़रूर मिले। और मैं दर्शकों से भी ये निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को मैक्सिमम सर्कुलेट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये एकता मैम तक पहुँचे, कंगना रनौत तक पहुँचे और बाकी जितने भी बड़े सेलिब्रिटी इन्वॉल्व थे इस लॉकअप में और जितने भी गाज के पैसे रह गए उन सबके वापस आ जाएँ। थैंक यू सो मच नरेश जी, शुक्रिया। बस जनता से कहूँगा प्लीज़ बहुत शेयर कीजिए इन वीडियो को।